कहीं पैरों तले खाने की चीजें पड़ी हैं, कोई खाने में थूक रहा है, तो कहीं कोई पानी में पेशाब मिला रहा है। इसलिए आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप बाहर का खाना खाना तो दूर, उसके बारे में सोचेंगे तक नहीं, क्योंकि वीडियो के आखिर में जो देखने को मिलेगा उसको देखकर हर किसी का मुंह खुला रह जाएगा। वैसे वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हमारे चैनल प्लेनेट अर्थ इंडिया को सब्सक्राइब कर वो बगल वाली घंटी को जरूर दबा दें, यकीन मानिए बहुत मजा आएगा। पानीपुरी लवर्स, अगर हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आप जिस खट्टे मीठे पानी की चाह में पानीपुरी खा रहे हैं वो असल में किसी का पेशाब तक भी हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, सर आप क्या कुछ भी कहे जा रहे हो? ये वीडियो सबूत के साथ आप लोगों के सामने में है। ये वीडियो गुवाहाटी की है, जहां एक ठेले वाले ने पानीपुरी के पानी में कुछ और नहीं बल्कि खुद का पेशाब मिलाना ही शुरू कर दिया। अब इसने ऐसा क्यों किया, इसका जवाब तो ये महाशय ही दे सकते हैं, मगर फिर भी इसके बाद जिन लोगों ने इसकी पानीपुरी खाई होगी उनका सोचकर ही हमारा दिमाग सुन्न हो जाता है। वीडियो का वायरल होना तय था, ऐसे में इस ठेले वाले को गिरफ्तार करके इसके काम को बंद करवाया जाता है, ताकि आगे से पेशाब वाली पानीपुरी किसी और को ना खिला सके। ब्रेड से बनने वाली सूखी टोस्ट तो आप लोगों ने खाई ही होगी और शायद अभी भी कोई खा ही रहा होगा। ऐसे लोग जरा इस वीडियो को आंखें खोल कर देख लेना। कहीं टोस्ट पैरों तले पड़ा है तो कभी इसे जीप से चाट चाट कर पैकिंग किया जा रहा है, और इसके बाद यही टोस्ट हम खुद भी खाते हैं। तो आप सोच लीजिए, जिस चीज को हम सेहत बनाने के लिए खा रहे हैं, कहीं वो हमें अनगिनत बीमारियों की ओर तो नहीं धकेल रही? हम आपको फोर्स नहीं कर रहे, खाना ना खाना ये सब आपकी इच्छा है। अक्सर जब हम घर से बाहर कहीं होते हैं तो भूख लगने पर होटल्स में कुछ चटपटा जरूर खाते हैं जो बड़ा स्वादिष्ट लगता है, मगर इस वीडियो ने हमारी सोच पर मानो ताला सा लगा दिया हो। अगर इस तरीके से खाने की चीजें भी बनाई जा रही हैं, तो शायद हमारा खाना खाना हमारी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। ऊपर वाले ने इस इंसान को किसी भी कारण से एक हाथ न दिया हो, मगर दिमाग तो दिया है। खाक से अपने पसीने और कीटाणुओं को इस चीज के साथ तल कर ये मूर्ख साबित क्या करना चाहता है, आप ही कमेंट बॉक्स में बताइए हमें। आमतौर पर हर गली हर नुक्कड़ पर कोई ठेले वाला मिल जाएगा जो सब्जियां बेच रहा होगा। क्या हो अगर ये सब्जियां पानी में ना धोकर नाले में धुलकर आपके घर तक आई हो? गंदी चीजें होके बेफिकर होके धो रहा,